रायपुर के बीच ये क्या एक अविश्वास का पुल है? जी अब बिल्कुल जिस तरह से विकास योजनाओं की अगर बात करें असीम, तो योजनाएं निश्चित रूप से बनी हैं, क्योंकि अगर अगर इस पुल की ही बात करें तो ये 12 करोड़ का ये पुल बना था, जिस पुल ने ये विश्वास तो दिलाया कि हाँ प्रशासन इन इन गरीबों की मांगों को सुन रहा है, और उसने पुल भी बनाया। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन और एक निगरानी की जो कमी है, और जिसने इन इन दोनों वजहों ने जन्म दिया है भ्रष्टाचार को तंत्र में, और यही वजह है कि ये पुल मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चल पाया और इसकी ये हालत हो गई। और आज की तारीख में वहाँ के लोगों के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय उस पुराने जर्जर पुल पे वहाँ से निकलने का। इसी के साथ उसी इलाके में शौचालय के लिए जमीन आवंटित की गई है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उस जमीन पर शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा और हालत इतनी बदतर है कि वहाँ की महिलाओं को बरसात हो जाने के बाद ट्रकों में लद कर दूसरे गाँव जाना पड़ता है शौचालय।